जहां सब लोग ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ हैं, वहीं ट्रैफिक वार्डन ट्रैफिक की रवानी को मामूल पर रखने के लिए शाहराहों पर मौजूद हैं। उनकी ईद कैसी गुजर रही है, जानेंगे हम अपने नुमाइंदे जाबिर वकास से। जी जाबिर। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का दूसरा रोज़ है और हर कोई जो है वो अपने मजहबी अकीदत के साथ जो है वो ईद की खुशियाँ मनाने की कोशिश में जो है वो मसरूफ़ है। ट्रैफिक के निज़ाम को रवान रखने के लिए वार्डन जो है वो अपनी ड्यूटी उसी तरह बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं जिस तरह वो आम दिनों में सर अंजाम देते हैं। हमारे साथ भी कुछ वार्डन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये है कि पहले हमें ना हर ईद पर एक एक छुट्टी मिलती थी, इस दफ़ा सिटी साहब की मेहरबानी है, हम सबको दो दो छुट्टियाँ मिली हैं। कुछ लोग ईद चाह रहा था और ईद को ऑफ हैं और कुछ लोग टर्मर को ऑफ होंगे, और बस हमें यही इंस्ट्रक्शन है सिटी साहब की तरफ से कि किसी का चलान नहीं करना ईद के दिनों में, मेजर वायलेशन पे वार्निंग देनी है और मास्क का चेकआउट करना है कि कोरोना एसओपी के मुताबिक अमल दरामद करना है और दिल जमी से ड्यूटी करनी है। बिल्कुल, जो है वो हर एक की जान का तहफ़ इसी तरह ही तहफ़ हो सकता है कि अगर उस मेजर वायलेशन को रोका जाए, छोटी मोटी वायलेशन के ऊपर जो है वो सीटीओ लाहौर ने तो यही कहा था कि कोई जुर्माना ना किया जाए और जो है वो जुर्माने की बजाय वार्निंग दे दी जाए, और इसी तरह ये वार्डन्स हैं जो कि अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं और ईद के दूसरे रोज़ भी यहाँ पर मौजूद हैं।